मोहतरम कारीन, दुनिया में सियाहत सैर व सफ़र का एक गोया कि हर मुल्क में महकमा है, डिपार्टमेंट है, और उस सियाहत से इतना इल्म बढ़ता है, जानकारी बढ़ती है, जो दर्शगाहों यूनिवर्सिटियों में इस मौजू पर जितना कुछ तालब इल्मों को शागिर्दों को पढ़ाया जाता है, फिर आइंदा के लिए उस मुल्क में उनकी रोशनी में बड़ी तरक्की होती है। और उसको अरबी ज़ुबान में सियाहत को सैर फिल अर्ज़ ही कह सकते हैं कि धरती पे ज़मीन पे सैर सफ़र करना। कुरान हकीम ने तारीख़ आलम को समझाने के लिए अल्लाह ने अपने दोस्तों दुश्मनों को समझने के लिए आपको तरगीब दी है कि मेरे साथ जो मेरे नबियों के दुश्मन मुकाबले में आए उनका मैंने क्या अंजाम किया, जाओ उनको भी देखो, एक एक शहर को देखो, एक एक मुल्क को देखो, मैंने उनका क्या तो हशर किया। फिरौन के लिए है कि फमा बकत अलैहिम समा वल अर्ज, ये महलात का मालिक बादशाही पर इतना नाजान, इनका इतना तो कबाड़ा कर दिया हमने, कोई धरती पे इनके आसमान और ज़मीन के बीच में इन पर रोने वाला कोई नहीं था, मेरे मुकाबले में आए तो इनके निशान भी मिट गए। बात यह है कि कुरान ने सैर सफ़र की कई वजूहात, कई फ़ायदे ज़हनी तरह सिखाए हैं। मैं अंदाजन समझता हूँ कि 12-13 बाल है सीरू फिल अर्ज़ अफलम या सीरू फिल अर्ज़, क्यों सैर नहीं करते ज़मीन में, फनजरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, जिन्होंने हमारे अंबिया की तालीम को जिठलाया उनका हशर तो देखो। और मैंने ये भी उन लोग तुम लोगों को बताया था कि फ़लम यसीरू फिल अर्ज़ फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम, इनका हमने कचूमर निकाल दिया, कोई यानी इनके निशान नहीं छोड़े, तो मेरे साथ टक्कर में आने वालों को जाओ उनके शहरों को टटोलो, दीवारों को, घरों को, ठिकरी ठिकरी को तलाश करो, चेक करो कि मैंने वो तुमसे एक मुकाबले में कितने ताकतवर थे, कितने बड़े साइंसदान थे, कितने बड़े इंजीनियर थे, उखाड़ जो छोड़ा मैंने तो कोई निशान नहीं छोड़ा। तो इससे गोया कि अल्लाह ताला आप गौर करेंगे तो हमें तालीम दे रहा है कि मेरे साथ मत बिगाड़ो, मेरे बनकर रहो, मेरी मुखालफत में आओगे तुम्हें दम ही नहीं है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। इस पर बहुत बड़े मजामीन हैं इन 10-12 सीरू फिल अर्ज़ के हुक्म के अंदर, बड़ी तालीम है। सारी दुनिया के जोग्राफिया, जितने मिटे हुए शहर हैं, जितने मिटे हुए इलाके हैं, उनकी तफ्तीश करोगे खबर निकाल क्या से क्या तुम्हें कुछ नज़र आएगा। लेकिन ये तालीम दी है अल्लाह ने, देना चाहता है, आज भी कुरान तुम्हें पुकार रहा है कि इस जाओ उनको टटोलो देखो। और खुदा की इस दावत को हम तवज्जो नहीं दे रहे। मैं इस पर काफ़ी कुछ शायद लिख भी चुका हूँ इन अहवाल पर कि इन अजायबात को देखो, कौम समुद्र का क्या हाल हुआ, कौम आद का क्या हाल हुआ, कौम लूत का क्या हाल हुआ, ये सब बातें लिख चुके हैं जो आपके सामने दोहरा नहीं सकते। मैं इनके पेश नज़र किताब हदीसों की बुखारी उसकी 2 हदीसें पढ़ता हूँ या उनकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराता हूँ। ये बाब 548 है और नंबर बाब का 548 है। बाब का नाम है नुज़ूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हिजर, हिजर के
के मकाम पर नबी का नाजिल होना। नबी हिजर के मकाम पर से गुजरे तो क्या हुआ? हिजर तो वो जगह है जिधर कौमों को अजाब आया, कौमें भस्म हो गई, मिट गई और उनके शहर उजड़ गए। तो कहता है बुखारी वाला, एक फर्जी बनावटी झूठी हदीस बना कर कि लम्मा मरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजर काल ला तदखुलू मसाकिन अल्लज़ीन ज़लमू अनफुसहुम अन युसीबकुम मा असाबहुम इल्ला अन तकूनू बाकीन सुम्मा कन्ना रासहु व असरा सैर हत्ता अजाज़ल वादी। हिजर जहाँ अजाब नाज़िल हुआ था नबियों की मुखालफत और बगावत की वजह से, जब नबी अलैहिस्सलाम जनाब ख़ातमुन नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो फरमाया ला तदखुलू मसाकिन अल्लज़ीन ज़लमू, जिन लोगों ने ज़ुल्म किए थे और खुदा का उनके ऊपर अजाब आया था, इनके घरों में दाखिल ना हो, इनके घरों के अंदर झांको भी मत। इन्होंने खुद अपने ऊपर ज़ुल्म किया था और ऐसे ना हो कि उनको जो मुसीबत पहुंची है तुम पर भी मुसीबत आ जाए। इसलिए जल्दी जल्दी नबी ने भी ऊपर चादर ओढ़ ली और कहा कि रोते हुए चादर लपेटते हुए भाग जाओ यहाँ से, इनको तको भी नहीं, देखो भी नहीं। ये बात नबी ने अपने साथियों को कही जो सरासर झूठ है। कुरान कहता है जाओ देखो कितने तुमसे बड़े माहिर थे, तुमसे बड़े इंजीनियर थे, कितने इनके अजीब अजीब मकानात थे, इन्होंने मेरे साथ बिगाड़ी तो मैंने इनका क्या हशर किया। उनको जाके चेक करो, ज़रे ज़रे को चेक करो। कुरान इबरत हासिल करने के लिए तुम्हें दावत देता है कि इनके शहरों को देखो, इनके मकानात को देखो। ये कहता है कि कपड़ा मुँह, बुखारी कहता है नबी ने फरमाया, माज़ल्ला नबी ने तो नहीं फरमाया, बुखारी ने झूठ मारा नबी पर कि मुँह को कपड़ा लपेट के नबी वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गया। एक ये हदीस है, दूसरी भी ऐसी असाबिल हिजर के बारे में है कि ला तदखुलू अला हाउला अल मुअज़्ज़बीन। नबी कहता है ये अजाब शुदा लोग हैं, इनके गांव बस्ते अजाब शुदा हैं, इनके ऊपर दाखिल ना हो, ऐसे यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाओ, भाग जाओ। मैं नाम नहीं लूँगा, एक हमारे सिंध का बड़ा आलम, हमने शायद उसको जहाज पर भेजना चाहा मोहन जो दड़ो पर एयरपोर्ट साथ में है, तो वहाँ से खुद को लपेट के छुपा करके जहाज पे जा रहा है कि मोहन जो दड़ो पर बड़ा अजाब आया था, ये अजाब शुदा कौम है, इनसे बचो, जल्दी जल्दी जहाज में चढ़ गया। अभी ये क्या कहें कि ये इनका फलसफा है। कुरान एक तरफ खींच रहा है कि इनको देखो, इनको चेक करो, वो किस तरह के थे, तुम किस तरह हो। मेरे सामने कोई आया नहीं बच सका, तुम मेरे सामने आ गए, तुम कहाँ बच सकोगे। खुदा एक तरफ बुलाता है, ये कहते हैं कि इनको चेक ही ना करो। इसकी माना ये आर्कियोलॉजी के दुश्मन है, इलम हदीस आशार कदीम के इलम का दुश्मन है। वो तुम्हें आशार कदीम से तुम बड़ी तरक्की कर सकते हो, उनके तत्वों में तुम अपना मुस्तकबिल बना सकते हो, वो तुम्हें रोकना चाहते हैं। सो ये ऐसा है इलम हमारे नई नस्ल को हदीस के हदीस रसूल के नाम से पढ़ाया जाता है, हमें मुनकर हदीस कहा जाता है। हम मुनकर हदीस ज़रूर हैं, मैं अज़ीज़ुल्ला मुनकर हदीस हूँ, क्योंकि कुरान कहता है अफलम यसीरु फिल अर्ज़, क्यों नहीं सैर करते ज़मीन में। ये कहता है ज़मीन में वहाँ से अजाब शुदा कौम से गुजरो तो मुंह को लपेट के गर्दन नीचे करके रोते हुए भागते जाओ। कुरान कहता है नहीं, चेक करो, हर एक को चेक करो कि इनके ऊपर जो अजाब आया वो क्या तो हुआ। कुरान किस तरफ बुला रहा है, ये इलम हदीस किस तरफ बुला रहा है। तो लोगों को समझना चाहिए कि इलम हदीस कुरान का दुश्मन है। मुहतरम कारीन, जहाँ तक बात कि मैंने के इल्म हदीस की, वो तो जनाब रसूल की एक भी हदीस यानी उन्होंने नहीं फरमाई जो अल्लाह ने
अपने नबी को रोका हुआ है कि वला तकबल अलैना बाज़ल अकाबील लाखज़ना मिनहु बिल यमीन सुम्मा लकताना मिनहु अलवतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अनहु हाजिज़ीन। ये नबी एक भी हदीस जारी नहीं कर सकता, करेगा तो हम इसके सांस के रग को काट देंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कोई एक भी हदीस जारी नहीं की, तो हम हदीस जो मानते हैं वो अल्लाह की हदीसें हैं, वो कुरान की हदीस हैं। कुरान ख़ुद हदीसों की किताब है, जो सूरत ज़ुमर के अंदर अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह नज़ल अहसन अल हदीस किताब मुतशाबिह मसानिया तकशर मिन जुलूद अल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम सुम्म तलीन जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। ये कुरान है हदीसों की किताब, अहसन अल हदीस कुरान है। बाकी जो ये जो साहसता जाली नाम इन्होंने 6 सही किताबें हदीस की, इन हदीसों में जो इन्होंने इमामी उलूम वाली हदीसें बनाई हैं, इनमें तो जनाब रसूल के शान में गुस्ताखी है, जनाब रसूल पर असहाब रसूल पर तबरा है, गालें हैं। हम इनके हदीसों को मानेंगे तो हमारा ईमान ही चट हो जाए।